हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका इन्वेस्टमेंट्स। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कमिट किया था कि अब हर वीक मैं आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लेवल्स को पहले से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले वीडियो है जिसे डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा अगले वीक आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कौन से लेवल्स को मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस मानना है और कहां से मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है। जैसा कि हम हमारे लास्ट वीडियो की बात करें, आपने जो जो भी लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया था अगर उन्हें फॉलो किया हो तो, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, आप देख सकते हैं मार्केट ने उन लेवल्स को स्ट्रांगली फॉलो किया। जिसे हमने रेजिस्टेंस माना मार्केट वहीं रुका, और जिसे हमने सपोर्ट माना मार्केट ने वहीं से रिवर्सल दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं निफ्टी में, मैंने आपसे कहा था निफ्टी में 25,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, और देखिए निफ्टी 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। डेफिनेटली 24,825 पे लास्ट वीक की क्लोजिंग आई थी, और मैंने आपको कहा था क्योंकि मार्केट अभी भी स्ट्रांग बुल रन में है तो यहां से मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन 25,000 का जो एक मेजर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, निफ्टी शायद उसे ना तोड़ पाए, और वैसा ही हुआ। फ्राइडे के एक ही दिन में निफ्टी में हमें 300 से 350 पॉइंट तक का गिरावट देखने को मिली, जो कि कहीं ना कहीं एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल है, और कहीं ना कहीं मार्केट के लिए हो सकता है थोड़ा खराब सिग्नल भी हो जाए। लेकिन अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पर ये क्लियरली इंडिकेट होता है कि निफ्टी पिछले 13 वीक से लगातार हायर हाइस क्रिएट करती जा रही है, यानी ये स्ट्रांग बुल रन है, ये तेजी बहुत स्ट्रांग है। इतने छोटे मोटे करेक्शन से तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मार्केट है तो डरना तो चाहिए। तो 24,000 एक मेजर बहुत बड़ा सपोर्ट जोन होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी जब भी 24,000 को ब्रेक कर दे तो इवन दो चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, आपको एक बार अपने पोजीशंस में से एग्जिट कर लेना चाहिए, या इन शॉर्ट कहें तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले वीक के कुछ खास इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी ने क्लोज किया है 24,717 पे, जो कि हमारे 24,659 वाले मेजर सपोर्ट के बहुत पास है। अगर निफ्टी इस लेवल के पास आती है और आपको कोई भी बाय का सिग्नल जनरेट होता है तो डेफिनेटली आप निफ्टी में यहां से एक बार बाय की पोजीशंस फिर से बना सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 25,050 के बाद 24,650 पे मिल रही है। 400 पॉइंट का करेक्शन एक अच्छा करेक्शन होता है, लेकिन एक बात को ध्यान से सुनिएगा कि मैंने कहा जब भी हमारे सपोर्ट पे कोई बाय का सिग्नल आए तो ही हमें बाय करना है, अदरवाइज ये जो फॉल फ्राइडे के दिन हुआ था ये कोई छोटा मोटा फॉल नहीं था। मार्केट अभी भी अवेट कर रहा है और नीचे जाने के लिए, और भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग्स आ सकती है। तो ये सारे लेवल्स अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एक लेवल है 24,659 का, अगर ये ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली निफ्टी 24,487 या 500 बहुत ईजीली आ जाएगी। उसके बाद 24,350, 24,208, एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा ये मेजर सपोर्ट एरिया है जिसे कहते हैं 24,000 का लेवल। अगर निफ्टी ने ये भी ब्रेक कर दिया और डेली बेसिस पे इसके नीचे क्लोज दे दिया तो डेफिनेटली निफ्टी फिर से एक बार 23,000 की तरफ जा सकती है। एक बड़ा शार्प करेक्शन आ सकता है, और उस शार्प करेक्शन को कहते हैं इम्पल्सिव मूव। लोग पैनिक में आ जाएंगे और हैवी प्रॉफिट बुकिंग्स या हैवी सेलिंग मार्केट में देखने को मिलेगी। ये तो हुई बात निफ्टी के सपोर्ट एरियाज की। अब बात करते हैं अगर यहाँ से ये बढ़ती है तो कहाँ तक जा सकती है। तो अभी उसके लिए एक नया हर्डल बन गया है 24,852। अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्स करके 24,852 पे जाती है तो आप देख सकते हैं पहले भी यहां से एक शार्प फॉल आया था और निफ्टी 850 पॉइंट टूटी थी, तो वापस अगर यहां पे आई तो जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगी तब तक हम स्ट्रांग बाइंग की बात नहीं कर सकते। तो 850 पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो 25,000 पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और वो भी ब्रेक कर दे तो जैसा कि मैंने आपको कहा
लास्ट वीक में ही मैंने आपको बता दिया था, अगर 25,000 के ऊपर निफ्टी ने सस्टेन कर लिया तो डेफिनेटली निफ्टी 25,250 और 25,500 के लेवल्स को बहुत ही इजीली छू लेगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए हम पहले बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो चलिए अब लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है, और बैंक निफ्टी भी आप देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीक के लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल उनको फॉलो किया। बैंक निफ्टी ने हमारे ही सपोर्ट पे बाय का सिग्नल दिया, हमारे ही रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, हमारे ही सपोर्ट पे बाय दिया, हमारे ही रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। ऐसा बार 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 बैंक निफ्टी ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर लास्ट वीक के चार्ट्स की बात की जाए तो लास्ट वीक में बैंक निफ्टी निफ्टी से बहुत स्ट्रांग थी। निफ्टी में हमें 25,000 से 24,650 तक के लेवल्स देखने को मिले, लेकिन बैंक निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग की बात करें तो जो फ्राइडे लास्ट क्लोजिंग थी वही क्लोजिंग अभी भी दिखाई है। बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस हमें देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट ये एक रेंज बाउंड मोड बाइंग एक्शन में ही चल रही है। तो अगर बैंक निफ्टी अपने इस मेजर रेजिस्टेंस 51,850 को ब्रेक करने में कामयाब रहती है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी फिर से 52,250 एंड 52,750 तक के लेवल्स बहुत ही स्ट्रांगली शो कर सकती है। लेकिन यही एक दूसरे कंसर्न की बात भी है, क्योंकि लास्ट वीक मार्केट्स इतने डाउन थे, डाउ जोन्स हर दिन डाउन होता जा रहा है। आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3/8/2024 को, यानी सैटरडे को, लेकिन अगर सैटरडे को डाउ जोन्स का लास्ट क्लोजिंग देखें जो कि फ्राइडे नाइट का था, डाउ जोन्स 780 पॉइंट माइनस था। ये एक कंसर्न की बात है मार्केट के लिए कि यूएस मार्केट लगातार फॉल कर रहे हैं, तो इनका इम्पैक्ट डेफिनेटली मंडे को हमारे मार्केट पे भी पड़ेगा, और मंडे को डेफिनेटली मार्केट्स थोड़ा सा वीकर ही खुलेंगे। अब वो वीक खुलने के बाद सस्टेन करते हैं या नहीं करते हैं वो हमें पता नहीं, लेकिन वीक खुलेंगे ये डेफिनेटली हम आज ही बैठ के जज कर सकते हैं। अब रही बात इसके सपोर्ट एरियाज़ की, तो अगर बैंक निफ्टी अपने इस मेजर सपोर्ट 51,300 को ब्रेक कर देता है तो इजीली 50,850 आएगा, और इसके बाद एक मेजर सपोर्ट और भी बनता है। ये लेवल है हमारा 50,500 या 50,400। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर बैंक निफ्टी इन दोनों लेवल्स को ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी बहुत वीक हो जाएगी, और मार्केट में सेंटिमेंट्स बहुत पुअर होने की वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी 50,000 को ब्रेक कर देगी और वहीं निफ्टी 24,000 को ब्रेक कर देगी, तो ये पैनिक क्रिएट कर देंगे। बैंक निफ्टी 49,000 तक भी आ सकती है और निफ्टी 23,000 तक भी आ सकती है। तो अब थोड़ा सा आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है। अब जब तक बैंक निफ्टी 52,250 के ऊपर ब्रेक ना करे या सस्टेन ना करे, तब तक हमें और स्ट्रॉन्ग तेजी की बात नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिन निफ्टी के भी सारे लेवल्स रेडी हैं। फिन निफ्टी ने लास्ट क्लोजिंग दिया था 23,395 का। यहीं पर आप देख सकते हैं फिन निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट एरिया भी है 23,300 का, उसके बाद 23,150 का, और उसके बाद 22,919 का। ये तीनों इसके मेजर सपोर्ट एरियाज रहेंगे। यहाँ कोई भी बाय का एक्शन आए तो आप डेफिनेटली बाय का ट्रेड सेटअप बनाइए। अब ये बाय का एक्शन, जो मैं बार बार वर्ड यूज करता हूँ, आप लोग काफी बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर ये बाय का एक्शन आप किसे कहते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रांग चीजों को वैल्यू करते हैं, जैसे कि कैरल के पैटर्न होते हैं या और भी काफी सारी चीजें होती है जो कि हम हमारे बेसिक कोर्स में ही सिखा देते हैं, जिसकी फीस हमने ओनली 5,000 ही रखी है। 15 से 20 दिन का कोर्स होता है, आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डाउ थ्योरी, ट्रेंड एनालिसिस, कैंडल के पैटर्न, कैंडल में एक नहीं 28 पैटर्न में सिखाता हूँ, और इतने एक्सपीरियंस के साथ सिखाता हूँ, और सबसे बड़ी बात इतनी इजी लैंग्वेज में सिखाता हूँ जिसे कोई भी बच्चा घर बैठ के भी कर सकता है। जी हाँ, ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और ये बहुत पावरफुल रोल प्ले करती है जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के लेवल्स को फॉलो करते हैं। आपको लेवल्स देखना तो आता है, बट कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, ये नहीं आता है। तो आप डेफिनेटली कॉल कीजिए 8460909090
1-800-370-3737 पे और हमारी टीम से बात कीजिए, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, हमारा बेसिक लेवल का कोर्स है 15-20 डेज का, 15 से 20 दिन तक लगातार मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ और एक एक चीज़ को डिटेल में बारीकी के साथ समझाया जाता है। उसकी फीस हमने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रखी है और ये सारे सेशंस लाइव होंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी कंफर्टेबल, हर लैंग्वेज में होगा। मॉर्निंग सेशंस भी होते हैं, इवनिंग सेशन भी होते हैं। तो आज ही कॉल करके जानिए हमारे कोर्सेज के बारे में और देखिए कि कैसे इन सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को यूज़ करके भी आप स्ट्रांगली पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने फिन निफ्टी के लेवल्स की बात की, तो क्या ऐसा बाय बनना चाहिए जिसकी वजह से हमें फिन निफ्टी में बाय की पोजीशन क्रिएट करनी है, या क्या ऐसा सेल का ट्रिगर आएगा कि जिसकी वजह से हमें पहले से पता चल जाए कि अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए, मैंने लास्ट वीक जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे वो लेवल्स पूरे वीक फॉलो हुए हैं। इसी को कहते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करना, इसी को कहते हैं मार्केट के साथ अपने नॉलेज को यूज़ करके पैसा बनाना। यही हम सिखाते हैं हमारे कोर्सेज में। मैं खुद एक CFA हूँ, चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो डेफिनेटली हम जो चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं वो हमारे 18 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। यही चीज़ें हम आप लोगों को कोर्स के माध्यम से सिखाते भी हैं। तो अभी तक आपने हमारी चीज़ों के बारे में या हमारे कोर्सेज के बारे में इंक्वायर नहीं किया है तो आज ही कॉल कीजिए और जानिए हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब रही बात फिन निफ्टी के और लेवल्स की, तो फिन निफ्टी 23,500 का एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, 23,600 का एक और सपोर्ट के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और मेजर रेजिस्टेंस इसका रहेगा 23,837 और 24,018। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि पूरे वीक आप देखिएगा फिन निफ्टी में स्ट्रांगली वर्क करेंगे। हाँ, ये वर्क तभी करेंगे जब आप इनके साथ उसे कैसे यूज़ करना है उसे जानेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो उन सब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो डेफिनेटली हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह ऐसे ही हमारी फैमिली से जुड़ पाएँ। हमारी यूट्यूब फैमिली डेफिनेटली हर दिन हर वीक आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से ग्रो कर रही है। तो इसे और ग्रो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि वो भी आपकी तरह इन लेवल्स को फॉलो कर सकें और स्ट्रांगली मार्केट में पैसा बना सकें। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो कंटेंट आपको डेफिनेटली पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में सर पसंद आ रहे हैं ये लाइन को आज आपको लिखना है। हर वीक ऐसे ही कमेंट्स लिखते रहिए, मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। और ऐसे ही हम इंस्पायर करते रहिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।